बुरे फंस गए हैं भाई। पांच लाइन लगा दी यहाँ पे गाड़ियों की, एक ट्रक की है, ये एंडेवर की है, आगे वो देख लो भाई। 10,000 रुपए का चालान कर दिया यहाँ पे, मतलब मैं था नहीं, थोड़ा बाहर चले गए गाड़ी लॉक करके। But wanna set me free, you know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not. Hey, bhai, Rakesh ne chai utha liye subah subah. और थार ऑटोमेटिक 4x4 को कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं, हो जाएगी वैसे तो नॉर्मल। टेम्परेचर कितना होगा, माइनस में तो नहीं होगा, जीरो के आसपास ही होगा। हाँ नॉर्मल है, नॉर्मल स्टार्ट हो गई, आवाज़ सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो ले चाबी पकड़, मैं ही करता हूँ फिर। चलो अपने वाली को करके देखते हैं, मैनुअल को भाई। कल कुछ काफ़ी एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कर दी थी यहाँ पे लद्दाख के अंदर। बाकी ये देखो अपनी ब्लैक फिल्म हटा दी थी, बाकी सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है बिखरा हुआ। तो ये देखो बीच में कुछ ऐसे ही पड़ा है सामान बिखरा हुआ। तो करते हैं कोल्ड स्टार्ट, न्यूट्रल देख लेते हैं। चलो 1 2 3 नॉर्मल, सब नॉर्मल है। और अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा और कुछ कहना चाहोगे आप? चलो कोई नहीं, दोनों थार को अपन ने कोल्ड स्टार्ट कर दिया है। और वो ललित भाई, और ये ललित भाई की स्कॉर्पियो, और ये अपने वाले स्कॉर्पियो, इनको भी देख लेते हैं भाई। वैसे इनकी आवाज़ है ना चेंज हो चुकी है ऑक्सीजन के चलते। बाकी BS6 गाड़ी के अंदर है ना भाई, चाहे माइनस टेम्परेचर कितना ही हो, इसके अंदर जो है ब्लैक धुआं बिल्कुल भी नहीं है। अभी कोल्ड स्टार्ट किए ना, 1% भी धुआं नहीं आया। बाकी ऑटोमेटिक के अंदर हल्का सा आया था। और सुना क्या हाल है, ठंड लगी रात को तेरे को? अच्छा और छाती दर्द होने लगी। अच्छा फिर क्या किया, मेडिसिन ले ली? फिर पापा ने बोला अभी सुबह हो जाती है फिर मेडिसिन लेंगे। अच्छा तो भाई ऐसे कुछ नज़ारे हैं सुबह के, सामने आपको दिख रहा होगा। अपने को इस साइड ही चलना है, बाकी इधर देखो ये जितनी भी स्नो दिख रही है आपको ऊपर, ये ताजी स्नो है, ये देख लो इधर भी पड़ी हुई है। बाकी सुबह सुबह के नज़ारे भाई काफ़ी अच्छे हैं। और अपना कौन वो देखो भाई, स्कॉर्पियो थार, स्कॉर्पियो और थार। तो आज अपन करने वाले हैं इन चारों गाड़ियों के साथ मनाली टू ले। तो देखेंगे आज बारलाचा पास, तांगलांगला पास, सरचू वगैरह सब क्रॉस करेंगे अपन। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो फाइनली अभी उठ चुके हैं। और आज का जो अपन ने स्टे किया था वो जिसपा के अंदर होटल टेंट विला, तो यहाँ पे किया था। टेंट के अंदर काफ़ी अच्छी नींद आई, लेकिन यार सुबह सुबह फ्रेश होने के अंदर भाई सब कुछ जम जाता है यहाँ पे, तो पानी बहुत ठंडा है। और बाकी आज अपन यहाँ से निकल रहे हैं सीधा डारचा चेक पोस्ट के ऊपर। ट्राई तो कर लिया अपन ने, रात को जो नोटिस है वो आ चुका था कि कल सुबह ओपन हो जाएगा। तो अभी अपन 7 बजे यहाँ से निकल लेंगे, अभी करीब 6:30 के आसपास टाइम हो रहा है। तो बोल तो दिया है ओपन हो चुका है, बाकी नज़ारे काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे आपको। बाकी ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है मनाली टू ले हाईवे ओपन होने पर। बाकी चार गाड़ियाँ अपन लेके जा रहे हैं, स्कॉर्पियो थार पीछे दिख रही है, एक स्कॉर्पियो मेरे पीछे दिख रही है और एक है अपनी थार। चलो देखते हैं, क्रेजी सीन्स आज के काफ़ी अच्छे रहने वाले। बाकी आप सब लोग साथ रहो, देखते रहो वीडियोस वगैरह। बाकी ये वीडियोस आपको कल मिल जाएगा, बाकी और जितनी भी सीरीज है इस ट्रिप की, पूरा लद्दाख घूमने वाले हैं अपन थार से, मैनुअल थार से। ये स्कॉर्पियो है अपनी 4x2, कर देते हैं इसको भी कोल्ड स्टार्ट। न्यूट्रल देख लेना, न्यूट्रल नीचे है थोड़ा सा, हाँ हो गया ना। हाँ 1 2 3 इसमें थोड़ा दिक्कत आई है यार। बाकी पीछे देखो धुआं काफ़ी निकला है इसमें, तो ये BS6 वाली नहीं है, ये पहले वाला मॉडल है, BS4 है। चालू करेगा चलाएगा अभी तुम बाकी भाई वो भी हो जानी चाहिए, बाकी इतनी प्रॉब्लम तो आती है ठंडी के अंदर है ना रे। हाँ। आदमी स्टार्ट नहीं होते सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग ललित भाई। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बढ़िया। रात को नींद आई? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठंड बहुत ज़्यादा, ठंड इतनी नहीं है, सब कुछ इतनी नहीं है।
क्या? नहीं वो वाली नहीं है सरचू, सरचू में बहुत ज्यादा रहती है। आगे? अरे माहौल खराब नहीं है वो, वो धूप की वजह से लग रहा है। बन जाते यार आलू के पराठे खिला देते यार, कोई नहीं, हल्का ब्रेकफास्ट है, ब्रेड है, जैम है और चाय ला रहे हैं भाई। ये देख लो भाई ट्रक लगे हुए हैं यहाँ पे, कम से कम भी 3 से 6 किलोमीटर की लाइन है ट्रकों की, तो इनको अभी निकलने नहीं दे रहे हैं शायद। बाकी होंगे कम से कम 100-200 ट्रक के आसपास जो कि अभी लाइन में लगे हुए हैं, अपन इनके साइड से निकल रहे हैं। ये नाइट में अपन यहाँ तक आके गए थे, यहीं तक थे, अब तो बहुत पीछे तक 2-3 किलोमीटर तक ट्रक थे, 2-3 दिन से खड़े हैं यहाँ पे। अगर आज खड़े कर दिए, अगर कल नहीं खुला 2-3 दिन तो ये यहीं पे रहते हैं ट्रक। बाकी डार से 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर के अंदर तो यार कम से कम 100-150 ट्रक तो होंगे आराम से। तो ये देख लो भाई 500 ट्रक होंगे करीबन, और 100-200-300 के आसपास गाड़ियाँ होंगी। डारचा की चेक पोस्ट है, ये पुल है वो, और अपनी गाड़ी भी पीछे ही खड़ी है। सुन कटारिया, आपने तो आ जा गाड़ी के अंदर ही, गाड़ी के अंदर ही आ जा अपने, तो टच कर जाएगा कोई बिना मतलब। चार चार लाइन लगा रखी है गाड़ियों की, कहे भाई पांच पांच लाइन लगा दी है यहाँ पे गाड़ियों की। एक ट्रक की है, ये एंडेवर की है, आगे वो देख लो, और ये टेम्पो ट्रेवलर, फिर से एक उधर ट्रक, पांच पांच लाइन लगा रखी है। आप तो निकाल लो भाई लोगों, आगे जगह मिल जाएगी आपको, तो पीछे सारी गाड़ियाँ फंसी हुई है। कटारिया चालान करवाए कैसा लग रहा है? चालान करा के अच्छा फील हो रहा है भाई, 10,000 रुपये का चालान कर दिया यहाँ पे। मतलब मैं था नहीं, थोड़ा बाहर चले गए गाड़ी लॉक करके, तो पुलिस वाले आए और एक मतलब बस फंस गई यहाँ पे, तो उसके कारण आए वो, और आके जिस जिस गाड़ी में भाई थे नहीं ना बंदे, उनका चालान कर दिया ऑनलाइन तुरंत। तो यही होता है यहाँ पे, और तो क्या ही होगा। यहाँ पे आओ तो संभल के आओ, अगर कहीं पे ट्रैफिक में फंस भी जाओ तो अपने गाड़ी के अंदर ही बैठे रहो। बिल्कुल, अरे हम पहले तो बैठते थे यार, आज ही उतर गए थोड़ा पानी पेशाब के लिए बाहर, बस कर दिया इतनी देर में चालान। चलो कोई नहीं, ऑनलाइन क्या है, बुक देंगे और तो क्या है। ये देखो ये है ब्रिज अपना, और जो चेक पोस्ट है वो है अपनी यहाँ पे, जो ये दिख रहा है ना आपको बोर्ड ऊपर वहाँ पे, पता कटारिया? कटारिया बस देख रहा है कि कैलांग की बस इसको मिल जाए। और ये है ब्रिज, इसके ऊपर खड़े हैं अभी अपन, बाकी ये कैमरा क्या फोकस नहीं करता है कभी कभी, बहुत ही गंदा मजा लेता है। लो भाई खोल दिया है, अभी तो आगे वहाँ पे सभी गाड़ियों को लाइन में लगा रहे हैं, उधर देखते हैं फिर। बाकी चलते हैं अभी चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं, यहाँ से सभी गाड़ियों को जान दे रहे हैं, 4x2, 4x4 बाइक वगैरह सभी को। निकलते हैं एक बार आगे, उधर लगाते हैं लाइन के अंदर सारी चारों गाड़ियाँ अपनी, 3 गाड़ियाँ पीछे ही हैं अभी। तो ये चेक पोस्ट पे नहीं कर रहे हैं एंट्री, अब की बार बाहर ही कर रहे हैं, आगे सारी गाड़ियों की, एक एक गाड़ी की भी यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। 200-300 गाड़ियाँ फंस चुकी हैं, तो पहले उनको निकाल रहे हैं उधर से, वो आएंगी उसके बाद में हम जाएंगे इधर से। बाकी चेक पोस्ट से तो आगे आ गए अपन, बस ये ठीक है। लो भाई चेक पोस्ट से निकलते देखो, काफ़ी ला जा रहा है गाड़ियों का। ऐसा ही मेरे को लग रहा है भाई, उधर चेक पोस्ट से बोला है कि आगे ले जाने वाले साइड में लगा लेना गाड़ी, तो हमने यहीं पे लगा ली, आगे फिर कोई बकचोदी ना कर दे चालान कर देंगे साले। हाँ जी, तो आपके पास 4x2 है? 4x6 है क्या? चलो कोई नहीं, निकाल देंगे आप वाली भी, टेंशन मत लो। निकालोगे क्या यार, मैं तुम्हारे को टो करूंगा। अच्छा हाँ बिल्कुल, ओके ड्राइविंग स्किल
मैटर, फोर व्हील डजंट मैटर। ओके, कोई नहीं, करेंगे हम भी। अपन चेक पोस्ट से निकले ना, यहाँ पे थोड़ा आगे आते ही यहाँ पे कम से कम 200 गाड़ियाँ फंस चुकी हैं। वापस से रोक रखा है क्योंकि आगे से जो ट्रक हैं वो फंसे हुए हैं कम से कम 150-200। तो ये देख लो अपने, आगे थार खड़ी है, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो और थार, और पीछे देखो भाई कितनी गाड़ियाँ हैं, जहाँ तक नज़र जाएगी ना वहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। 2 घंटे हो गए अपने को यहाँ पे, बाकी सामने भी देख लो आगे तक पूरा ऊपर तक जाम लगा हुआ है, तो क्या पता कब तक खोलेंगे भाई। बैठे हैं और धूप काफ़ी तेज़ पड़ रही है यारो, भाई जो ओवरटेक करे ना उनका चालान हो रहा है आज बढ़िया वाला। ओवरटेक करने वालों का ये हो गया ना, 3-4 गाड़ियाँ तो आगे चलेगी, उनका करवा दिया फ़ोन करके, इनको वापस भेजेंगे अभी। थार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो और थार भाई, काफ़िला चलता हुआ अच्छा लग रहा है, बाकी अभी तो कम से कम 200 गाड़ियां साथ चल रही हैं। तो ये अपनी और काफ़िला देख रहे हो आप, आगे थार स्कॉर्पियो थार थार थार, मतलब यही ज़्यादा मतलब कॉमन गाड़ी होगी थार, तो सबसे ज़्यादा इस मतलब कौन हुए के अंदर थार ही है सबसे ज़्यादा। स्कॉर्पियो तो हम लेके आए हैं, तो बाकी ये अभी रूट शायद अभी बनाया है दोबारा से नया, देखो पूरा मतलब टूटा हुआ ये सामने तक दिख रहा है ना, ऊपर तक गाड़ियां जा रही हैं वहां तक भी टूटा हुआ ये। You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, everything that you did, that you said, I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I'm never. लो भाई चारों गाड़ियाँ यहाँ पे रोकी है बारालाचा पास से, पहले पीछे के नज़ारे देखो, बारालाचा आ गया, थोड़ा काफिला चल रहा है काफिला। ये देखो ललित भाई लेके नहीं आए, खतरनाक बिल्कुल पूरा वाइट हो रखा है। इधर देखो इधर क्या है, इधर फुल सुनो है। ये देखो रोड अलग ही दिख रही है बीच से, जैसे कोई लाइन खींच दी हो ना। इतनी सुनो तो मैंने, इतनी सुनो तो सच में मैं इतनी ट्रिप कर चुका देखा ही नहीं, अब की बार सुनो ही ज्यादा है। भाभी जी मजे ले रहे हो, गाड़ी के अंदर भी शीशा खुलवा के डाल रहे हो। तो भाई ये चारों गाड़ियां बिल्कुल आगे पीछे चला रहे हम, साथ ही आए थे हम चारों। ना ना देखो सुनो कैसी आई हुई है नीचे, देख रहे हो मतलब इतनी बड़े बड़े, ये देखो जैसे लग रहा है जैसे बड़े बड़े पत्थर हो। और अभी भी कोई भरोसा नहीं है ये कभी भी आ जाए गाड़ी के अंदर, लग जाए नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। बाकी ये देख लो आगे थार है, पीछे थार है, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यही चल रहा है इधर, तो बोले क्या चल रहा है अभी, स्कॉर्पियो दो थार स्कॉर्पियो थार ही चल रहा है। बाकी यार स्नो काफ़ी अच्छी है इधर, मतलब ऊपर से आगे गिर रही है, वो सफाई कर रहे हैं ना पीछे जैसे पीछे तो आ रही है नीचे।
आज तो बिल्कुल बाल बाल नहीं बचे, ऊपर से कंटेनर स्नो काटरा तार हमारे गाड़ियों के ऊपर ही आ गई और एक गाड़ी वाले से भी बिल्कुल बाल बाल ही बचे हैं। चारों गाड़ियां वैसे हम साथ ही चल रहे हैं, इसीलिए भाई अगर कोई दुर्घटना मिल गए तो हम साथ रहे। और आपको भी सलाह देते हैं, अगर इस ऐसे मौसम में अगर आप लेह लद्दाख का ट्रिप कर रहे हो तो मेरे हिसाब से अकेले ना करो, कम एटलीस्ट दो गाड़ी तो होनी चाहिए।